हमार चैनल पर नया बानी तो हमार चैनल के सब्सक्राइब कर दी। चलिए आज जो बात हम कह के बानी कि का होला कि कभी कभी बच्चा लोगन फल जो है ना खाए के चाहेलन, तो हम एगो सुझाव देवतानी कि ए तरीका से एप्पल के बना के दे हम, तो बच्चा लोग बड़ो लोग सब लोग खूब मन से खाई हन। तो पहले का करे के बा, 3 गो एप्पल 2 गो ले के ओकरा छोट छोट काट लेवे के बा, ओकरा बाद पैन में बटर चाहे घी रउरा जे पसंद बाटे ओमे डाल के, तब छोटी छोटी एप्पलवा जो कटले बनी वही में डाल के तनी सा ओकरा भुने के बाद 2 मिनट के भुने के बाद, ओकरा बाद ओमे पीसल चीनी 2 बड़ चम्मच डाल दे हम, और तनी सा ओमे दालचीनी चाहे तो मन करे तो डाली चाहे ना डाली, हम ही हनी भी डाल तनी यहाँ अब हनी चाहे तो 2 चम्मच 3 चम्मच जितना अहाँ के मिर्च चाहिए उतना डाल दे हम। देखिए हनी डाले के बाद का होता वो मॉइस्चराइज हो गई बाते, तो ओकरा के तनी तेज आँच पे इस एक तरीका से भून लेवे के बाद, जब ये थनी से सूखी जैसन हो जाई तब गैस बंद कर देवे के बाद। देखिए सीज गल आप लोग खूब बढ़िया ए घड़ी में खूब बढ़िया खुशबू आई है, खूब अच्छा लागेला। चाहे के तो ऐसे हूँ खा सकतनी, बट बच्चा लोग ऐसा तो ना खाई हन, तो का करे के बाद एकरा के रोटी में रख के लपेट के देवे के बाद, तो बच्चा लोग के खूब अच्छा लगी, चाहे तो ब्रेड में रख के लपेट के देवे के बाद। ये देखी एगो ब्रेड लेने बा लेके ओकरा थोड़ी बेल देवे के बाद ताकि फ्लैट हो जाए, ओमे रख के वह जो हमने अभी एप्पल के मिक्सचर तैयार कैले बनी ओमे रख देवे के बाद, एमें तनी सा घी चाहे बटर अच्छे से सोक कर तनी सा सोक कर देवे का ताकि मतलब मॉइस्चराइजेशन हो जाए। ओकरा बाद में 1 बड़ चम्मच वो एप्पल के मिक्सचर जो हमने अभी तैयार कैले बनी ओमे रख दे हम, ओकरा बाद ब्रेड के बंद करके दे दे हम। ये प्रोसेस हुआ रोटियों में रख के कर सकतनी। अब एक और हेल्दी सुझाव बाटे, हमने क्या आटा सानी ला, तो कभी कभी का होला बच्चा लोगन के हेल्दी आटा के लिए हमने के तनी सा 2 बड़ चम्मच दही के साथ आटा के सान दे, जैसे पराठा बनावे के बाद तो ई दही वाला आटा सान ला तो पराठा सॉफ्टो बनी या हेल्दी हो जाए आटा। ये देखी और ऐसे पराठा बन गई। आई पराठा बनाने के समय आटा में तनी सा ज्वार के आटा चाहे रागी के आटा ये सब उमें मिला के बनावे के बाद ऐसे खूब हेल्दी पराठा तैयार हुई, सब लोगन के अच्छा रही। ये देखी लड्डू खूब बढ़िया ऐसे कभी कभी का होला बेसन के लड्डू सभी सब ना बंधाला, तो का करे पा लड्डू बांधे के समय 1 चम्मच दूध डाल देवे के बाद तो उसे खूब अच्छा बंधा जाई। हमारा चैनल के पर नया बानी तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी। थैंक यू।